नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वायम से संचार की पेशकश तजुर्बा में। और तजुर्बा में आज हमारे साथ अपना तजुर्बा साझा करने के लिए जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो प्रिंट मीडिया में लगभग 3 दशक अपने दे चुके हैं और हरियाणा उनकी कर्मभूमि रही जिसमें उन्हें बड़े से बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में काम किया। तो जिनका नाम है दयाराम वशिष्ठ जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपका प्रिंट मीडिया में 26 से 30 साल तक का एक्सपीरियंस आपका रहा, कैसे तो आपका प्रिंट मीडिया के अंदर सफर शुरू हुआ और कैसा ये सफर रहा आपका? देखिए, मैं बेसिकली मुझे प्रिंट मीडिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं एक इंजीनियर था जो बिजली निगम कंपनियों में काफी मैं अच्छे पोस्टों पर रहा, तो मेरा वहाँ पे अपना वर्क चलता रहा। लेकिन बिजली निगम से टर्मिनेट हुए हरियाणा में, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे इस लाइन में आना चाहिए। एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा, चैनल पर देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे प्रिंट मीडिया में आना है। तो फिर मैंने बड़े प्रयास किए, इवन देन मेरे को कोई अनुभव नहीं था। मैंने अखबार से देख देख के खबर लिखता था। उसके बाद मैंने प्रयास किए, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने बात की, तो बात करते उनसे समझता था। तो धीरे धीरे मैंने एंट्री की इस लाइन में। तो उसके बाद मैंने फिर अमर उजाला अखबार हरियाणा में आया, सबसे पहले लॉन्च हुआ उसमें। तो लॉन्च होने के साथ मुझे मौका मिला, तो मिस्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह थे अपने जो ब्यूरो चीफ थे, तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ खबर भेजिए। लिखना आता नहीं था लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा, सीखते सीखते हम फिर आगे बढ़ते चले गए। लगभग 3 दशकों का आपका अब तक का तजुर्बा रहा प्रिंट मीडिया में, किस हिसाब से प्रिंट इंडस्ट्री बदली? जिस टाइम जैसे आप बता रहे हैं कि मीडिया इंडस्ट्री हरियाणा में या ऑल ओवर इस्टेब्लिश होना उन्होंने शुरू ही करा था, तो तब से आप उसमें जुड़े रहे और एक आज का समय है जब प्रिंट मीडिया हो वो अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित है, और किस तरीके से इनका ये सफर रहा कि बदलाव कैसे कैसे चले इनके? बदलाव स्टार्टिंग में क्या होता था कि हमें अभी भी याद है, जब हम अमर उजाला में थे तो एक एक खबर को हम फोकस करते थे कि किस तरीके से हम खबर ढूंढें, किसे खबर को वो करें ताकि वो अगले दिन जब पाठकों तक पहुंचे तो एक अच्छा मैसेज जाए। उस समय कोई मोबाइल नहीं होते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं होती थी, किसी तरीके को अखबार को ही बेसिक मानते थे और सुबह के समय अखबार से ही जानकारियां लोगों को पहुंचती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत बदलाव आया। एक समय आया कि जब कंप्यूटर शुरू हुए तो हमारे सामने कंप्यूटर आया, हम पहले हाथ से लिख के भेजते थे खबरों को। तो कंप्यूटर जब हमारे सामने आया तो हमसे बोला गया कि आप कंप्यूटर पर काम कीजिए, जबकि कंप्यूटर हम जानते नहीं थे, हम टाइपिंग नहीं जानते थे। लेकिन 7 दिनों के अंदर हमने टाइपिंग सीखी, टाइपिंग सीख के काम किया। एक तो वो दौर बदला, पहले हाथ से लिखने का दौर था, फिर कंप्यूटर से शुरू हुआ, टाइपिंग का दौर शुरू हुआ। उसके बाद फिर पेजर होते थे, पेजर से मैसेज कन्वे होता था कि हम कहाँ पे हैं फील्ड में। पेजर आया, पेजर के बाद फिर मोबाइल शुरू हुए, फिर मोबाइल का जो दौर आया, जिस समय मोबाइल आए तो इवन नहीं जो टच के मोबाइल थे, टच के मोबाइल को हम डरते थे करते समय। तो टच से हमने काम सीखा, टच से करते करते आज सोशल मीडिया का जमाना, अब तो घर पे इतना चेंजिंग हो गया कि हम घर से बैठे बैठे ही पूरा प्रिंट मीडिया को संभाल लेते हैं। इवन देन अब मैं रिटायरमेंट के बाद कई अखबारों में काम कर रहा हूँ, तो मैं फील्ड की जानकारी मुझे इतना है कि मैं हर जगह से अपनी खबरें लेके और घर से ही मैं कवर कर देता हूँ, ऑनलाइन ही सब कुछ काम हो जाता है। तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। जिस हिसाब से टेलीविजन आए, जिसमें टेलीविजन मीडिया आया, फिर आज डिजिटल मीडिया है, क्या टेलीविजन मीडिया अखबार पे पहले हावी था और क्या डिजिटल मीडिया आने के बाद भी अखबार पे और हावी हुए, या अखबार की अपनी जो प्रतिष्ठा है वो अपने आप में कायम है? देखिए, अखबार की प्रतिष्ठा तो आज भी अपने आप में कायम है, भले ही हम मोबाइल से देख लेते हैं, टीवी के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन पाठक सुबह के समय अखबार ही पढ़ना पसंद करते हैं। अभी भी जो पुराने लोग हैं वो तो खासकर प्रिंट मीडिया को ही तवज्जो ज्यादा देते हैं। सुबह के समय अखबार पढ़ना, उनको पूरी सटीक जानकारी, आज भी वो अखबार पर विश्वास करते हैं कि प्रिंट मीडिया में जो छपा है वो बिल्कुल सही होगा, किसी प्रकार का इसमें कोई लाग लपेट नहीं होगी। तो उस लिहाज से आज भी प्रिंट मीडिया को काफी तवज्जो देते हैं। तो क्या प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स की लाइफस्टाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं इनके रिपोर्टिंग करने में कुछ खास फर्क रहता है? हाँ, थोड़ा फर्क रहता है। जैसे प्रिंट मीडिया नजर रखता है कि वहाँ कहाँ पे क्या हुआ, अगर उसको घटनात्मक का पता लग जाता है तो वो थोड़ा सा उसको अपने शाम तक जानकारी जुटा लेता है जब तक उसको प्रिंट में देना है। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, वहां पर उनको तुरंत उसी समय एक्शन लेना होता है,
अगर कोई अपना साथी पत्रकार साथी उसमें डिले कर जाता तो डिले करने पे चूक हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिल्कुल अलर्ट रहना हर समय जरूरी होता है, ये एक अंतर है। जो आज के पत्रकारिता के छात्र है, क्यों उनके लिए प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस अक्सर कहा जाता है कि अगर आप डिजिटल मीडिया या किसी में भी जाना चाहते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको तवज्जो पहले दी जाती है, तो क्यों आज के टाइम पे प्रिंट मीडिया का तजुर्बा बहुत जरूरी माना जाता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। एक्चुअल में प्रिंट मीडिया में कोई भी खबर लिखते समय उसको बेसिकली डीपली जाना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक में अपना कोई भी चलाते समय उतना ज्यादा उसमें तो ब्रेकिंग का ज्यादा वो रहता है कि किसी भी तरीके से हम ब्रेकिंग करें, और जब ब्रेकिंग की बात आती है तो उस समय हम ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं कर पाते। रिसर्च प्रिंट मीडिया में कोई भी खबर तो उस पर रिसर्च करनी होती है, क्योंकि हमारे पास समय होता है, उस समय के दौरान हम रिसर्च करके एक अच्छा वो दे देते हैं। तो इसलिए प्रिंट मीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा माना जाता है। तो इस हिसाब से आप आने वाले टाइम में प्रिंट मीडिया का भविष्य कैसे देखते हैं, कि क्या इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे करके और बढ़ेगी, या डिजिटल मीडिया आने के बाद आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी सी घटी है, क्या कैसा भविष्य देखते हैं नहीं, इसका? लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, प्रिंट मीडिया में गिरावट आई, कमी आई है। उसका कारण क्या है कि अब लोगों के पास समय कम है, अब लोग चलते चलते मोबाइलों से सब कुछ देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे सब जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो ये बदलाव आ रहा है, उसका कारण ये है कि प्रिंट मीडिया में काम करते समय थोड़ा सा हमको पाठकों की दृष्टि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पाठक क्या है, पाठक को प्रिंट मीडिया में पूरी सटीक जानकारी चाहिए, और वो जानकारी जैसे हम आज के माहौल को देखते हुए जो आज पाठक को चाहिए उसमें हमें ध्यान देना होगा, ताकि हम अपडेट करके उस दिशा में चलें। तो जैसे प्रिंट मीडिया में अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए कौन-कौन सी बातें जिसका वो ध्यान रखे एक विद्यार्थी पत्रकारिता का, और कैसे वो प्रिंट मीडिया का ज्यादा से ज्यादा मतलब बेनिफिट अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सके? क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए कि एक तो हमें जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक जानकारी लेने के लिए हमको अपने संपर्क सबसे पहले स्थापित करने होते हैं, और उसके लिए फील्ड में हमको जाना होता है। फील्ड में जाके जितना हम मेहनत करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, उतना ही हम प्रिंट मीडिया को मजबूत कर सकते हैं और उतना ही अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा ये कि इतने सालों का तजुर्बा, इतने सारे प्रतिष्ठित अखबारों में काम करने के बाद एक कहते हैं कि एक एडवाइस आप अगर विद्यार्थियों को देना चाहे पत्रकारिता के, चाहे वो प्रिंट मीडिया में जाना अपना भविष्य देखना चाहते हैं या मास इसमें टेलीविजन मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, क्या एक कॉमन चीज है जो पत्रकारिता के बच्चे को ध्यान में रख के अपने काम करना चाहिए, क्या उसके उद्देश्य होने चाहिए? देखिए जी, मेरा मानना यह है कि इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे वो सोशल मीडिया पे जाए, चाहे प्रिंट मीडिया में जाए, चाहे इलेक्ट्रिक चैनल में कहीं भी जाए, उसके लिए सटीक जानकारी, उसके लिए मेहनत, मेहनत कैसे करनी होती है, मेहनत स्टार्टिंग से ही बंदा बिल्कुल एक जो उसकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में विश्वसनीयता झलकनी चाहिए। अगर कोई भी रिपोर्टर आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें जब तक उसकी विश्वसनीयता नहीं झलकेगी, जब तक उसको अपनी खबर पे पूरी तरह से उस पर काम दिखाई नहीं देगा, जब तक उसका आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आज प्रतियोगिता का समय है, कंपटीशन इतना है मार्केट में कि अपने को दिखाना होता है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, और उसके लिए बेटर है कि हम किसी भी खबर पे, जब तक हम उसको प्रकाशित ना करें, जब तक हमारी खबर पूरे तथ्यात्मक ना हो, क्योंकि बिना तथ्य के कोई भी चीज प्रिंट करना, कोई भी चीज उजागर करना, वो समाज को कहीं ना कहीं दिशाविहीन करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही तमाम एपिसोड के जुड़े रहिए वाईएमसी संचार के साथ। मैं हेमंत शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू।